Hello, this is Suman Roy, and yes, I'm not a boy. I would like to start my poem with a short one. It's a quote actually. हाँ मैं नारी हूँ, तुम्हारी गुरूर का अंश और तुम्हारी हैवानियत का जरिया हूँ. कहीं ताकत की मैं मिसाल तो कहीं उस बंद कमरे की चीखती आवाज हूँ. टूटती हुई चूड़िया बुझ दिलों की ताकत का मैं नक्शा हूँ. हाँ मैं वही नारी हूँ. बस हक जताकर यूं मेरी मान को ना बहाओ, तवे ऐसा नाम देकर ना मुझे यूं बेगैरत सा बनाओ. सहां तो अर्जों तक है हैवानियत तुम्हारी, पर फिर भी क्यों हार जाती है ये नारी. पता है आज मैं 21 की हो गई, कद थोड़ा बढ़ा हुआ सा, बातें वही बेमतलब सी, हवाओं से भी बात करना छोड़ दिया, झूठ के करीब सच्चाई से दूर थोड़ी. सच में इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल सा गया, पर अभी वो रात रह गई है बाकी. रात होने को आई थी पर खेल ना रुका. हाँ उन्होंने तो इसे खेल ही बताया था. याद है मुझे वो शाम कुछ अलग सी थी, ना उसमें बचपन की थी कशिश और ना ही वो जानी पहचानी नादानी. नादान ना तब से मैं नादान कहाँ की, उड़ान कैसी पंखों में उतनी जोर कैसी. तब पता नहीं था कि ये कैसा है खेल, जहाँ पे दर्द था बहुत थी आंसुओं के लिए. न तब ना मोहब्बत का कोई एहसास था, ना थी हैवानियत की पहचान. तब ना मोहब्बत का कोई एहसास था, ना कि हैवानियत की पहचान. दोष तुम्हारा है मैंने खुद को समझा दिया, दोष तुम्हारा है मैंने खुद को समझा दिया और ठहरा दिया खुद को बेजुबान. आज भी हर रात को मिलने वो 6 साल वाली मैं आती है और कहती है, अब तो तुम हो समझदार और सब वो पूछ ली, तो बताओ ना उस रात गलती क्या थी मेरी. इत्तेफाक की बात तो ये है कि ना मेरे पास कल था जवाब और ना कल रहेगी कि गलती क्या है. किस्सा मेरा नया सा है बातें वही पुरानी, किस्सा मेरा नया सा है बातें वही पुरानी. हर घर की कहानी तो नहीं पर कुछ के किस्से थे सुनानी. बचपन की उन यादों में एक किस्सा ऐसा भी था, बचपन की उन यादों में एक किस्सा ऐसा भी था. ढूंढ के देखो ना तो बहुत मिलेगी सहमी जिंदा निर्भय. बेजुबान खुद को गलत ठहराती हुई सवाल होगा उनका भी, गलती क्या थी हमारी. सुमन, इफ यू वुड नॉट हैव टोल्ड अस दैट